हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का रिविजन्स महासंग्राम में आपका स्वागत करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आई होप आप लोग देखे भी होंगे उसको। और ये सेकेंड पार्ट है महासंग्राम रिविजन का, इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो रात का समय है, झूमे चंद्रमा है, रात के बज रहे हैं 3। मैं शूट कर रहा हूँ आपका लेक्चर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन, निम्नलिखित में से अंतः अणुक हाइड्रोजन बंद मौजूद है। अंतः अणुक पूछा है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग पढ़े होंगे, दो प्रकार की होती है, इंटर मोलिकुलर और इंट्रा मोलिकुलर। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है H2O, H2S, 2 नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल। इसको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल भी बोलते हैं। तो बात करते हैं H2O की। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, दो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास। तो दूसरा मॉलिक्यूल एक और बना लेते हैं H2O का। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है तो इस तरह से पाई जाती है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में आ रही, इससे पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इसमें क्या होगा, ये इंटर मॉलिक्यूलर होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होगी। जब दो मॉलिक्यूल दो अणुओं के मध्य बनेगा हाइड्रोजन बंध, वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर। और पूछा है हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, H2S और H2O ये एक ही जैसे बनाएंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या 2 नाइट्रोफिनोल। तो इस तरह से पहले हम फिनोल बनाएंगे OH, और सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड है। तो सेकंड पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप लगा होगा उसको बोलेंगे 2 नाइट्रोफिनाल, या ये ऑर्थो भी बोलते हैं इस पोजीशन को, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इसमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएंगी। तो ये विद इन द मोलिक्यूल हो रही है, एक ही मोलिक्यूल एक ही अणु के अंदर हो रही है, मतलब ये क्या है, इंट्रा मोलिक्यूलर। जब दो अणुओं या दो मोलिक्यूल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तब उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर। तो इंट्रा मोलिकुलर पूछा है, मतलब 2 नाइट्रोफिनोल राइट आंसर है। इसका बनाओगे जब 4 नाइट्रोफिनोल का, तो इस तरह से बनेगा OH, और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। तो इसमें जो है डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मोलिक्यूल नहीं हो पाती है एक ही मोलिक्यूल में। तो इसलिए दूसरा मोलिक्यूल जो इसका होगा 4 नाइट्रोफिनोल का, उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच आ गया, मतलब ये इंटर मॉलिक्यूलर होगा, ठीक। अंतः आणुक केवल इसमें पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट वाज कॉइंड बाय, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने इस वर्ड को दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिडिक रेन, निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में मौजूद होता है। जो अम्ल वर्षा होती है जिसका पीएच लगभग वही मान के चलो 5 से 6 के बीच में होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हानियाँ भी होती है, हमारी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं मैक्सिमम, और जो इमारतें हैं तो उनका कलर भी चला जाता है, सारे हानियाँ होती हैं अम्ल वर्षा से। तो पूछा गया है अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर ऑक्जेलिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा जो वाटर होता है उसका पीएच मान होता है 7, न्यूट्रल होता है, उदासीन। जब उसमें H2SO4 की मात्रा मिलाई जाती है तो क्या हो जाता है, उसका जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, मतलब वो एसिडिक नेचर का सोल्यूशन बन जाता है। तो इसी तरह से जल के साथ में H2SO4 जब आता है साथ में, ये होता कैसे है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वातावरण में बहुत ज़्यादा हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे वाटर से रिएक्ट करेंगे तो SO2 और जल मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4, ठीक है। इस तरह से एसिडिक रेन होती है अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, निम्नलिखित में से कौन नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस से प्रेम करने वाला।
तो न्यूक्लियस से प्रेम कौन करेगा, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि नाभिक में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के पास वही जाएगा जिसके पास बहुत ज़्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स पहले से होंगे। बात करें AlCl3 की, तो इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि एल्युमिनियम से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, मतलब इसके ऑक्टेट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इसमें भी BF3 जब देखेंगे, इस तरह से बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं बोरान से, मतलब 1, 2, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, तो इसके पास भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। और Cn जो है साइनाइड आयन, इस पर ऑलरेडी माइनस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये कैसा होगा नाभिक स्नेही के जैसे यूज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, इलेक्ट्रॉन बंधुता व्यक्त की जाती है ग्राम पर मोल में या किलो जूल पर मोल, कैलोरी पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम, तो इसको जो है किलो जूल पर मोल के रूप में दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी एक प्रकार की एनर्जी ही होती है, ऊर्जा, तो इसको जूल में व्यक्त करते हैं, किलो जूल। और आपको पता ही है केमिस्ट्री में ज़्यादातर मोल को यूज किया जाता है, पर मोल देखा जाता है, कुछ भी देखना हो। Cl F3 की संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु Cl पर एकाकी युग्म है, एकाकी युग्म पूछा है इसमें। Cl F3, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जिससे कि पता चलेगा कि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर पूछा है। ठीक है, कितने हैं, यह है Cl और इससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं Cl F3। आपको पता होगा जो क्लोरीन है हेलोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 ये 2 हो गए लोन पेयर, और 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए, 2, 2, 4, मतलब 2 लोन पेयर बचे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर होंगे। निम्न में से किन यौगिकों के युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक एवं सम संरचनात्मक हैं। अब देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऐसा युग्म इसमें से ढूंढना है कि दोनों कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन समान हो, और सम संरचनात्मक का मतलब है, इससे पहले की क्लासों में भी मैं बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सम संरचनात्मक तभी होगा कोई मॉलिक्यूल जब उन दोनों मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या बराबर होगी। तो इसमें देखते हैं BeCl2 और ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक नहीं देखते हैं हम पहले, इलेक्ट्रॉन आप गिनोगे तो सम इलेक्ट्रॉनिक कई सारे इसमें दिखेंगे, लेकिन सम संरचनात्मक सभी नहीं होंगे। तो बेरिलियम में इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं, दोनों बॉन्डिंग कर लिया। ज़ेनॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 फ्लोरीन से जुड़ा, मतलब 3 लोन पेयर होंगे, तो इसके लोन पेयर समान तो है नहीं, तो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल होगा नहीं सम संरचनात्मक। अगला है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन फैमिली का और यहाँ पे इनर्ट गैस है, तो इसके भी एक जैसे लोन पेयर नहीं होंगे। इसमें देखा जाए, अगर बना लेते हैं स्ट्रक्चर IF3 और इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे आयोडीन भी हैलोजन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लोन पेयर होंगे। और ज़ेनॉन की बात करोगे तो इसमें ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड में 2 फ्लोरीन और इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 8, तो इसके पास 3 लोन पेयर है, तो ये भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो इसमें देखो IBr2 आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 यूज हो गए बचे 5, एक माइनस चार्ज लगा है मतलब 6, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 1, 2, 3 लोन पेयर होंगे। सेम ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड अभी यहाँ पे बनाए थे, ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड 1, 2 बॉन्ड पेयर और 1, 2, 3 लोन पेयर, तो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम है, मतलब ये आइसो स्ट्रक्चरल होगा, सम संरचनात्मक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्पीसीज के युग्म की आबंध कोट समान है, व्हिच पेयर ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, इनमें से
कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोट एक जैसी है। तो आबंध कोट निकालने को तो मैंने बताया था, उसी तरह से आप कंपेयर कर लीजिए। जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तब होगा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3। 13 के लिए, सॉरी 15 के लिए जब ऊपर बढ़ोगे तो भी 0.5 घटेगा, 2.5। 16 के लिए 2, फिर 17 के लिए 1.5। इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे हम, 14 से 13 जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 2। तो इस तरह से 14 से 14 को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम। इसके ऊपर और नीचे जब जाते हैं तो 0.5 डिक्रीज करता है। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन, CO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6। तो 8 और 6 14, इसमें 8 और 7 15, तो सेम तो है नहीं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसी का सेम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी। अब इसमें देखो दो ऑक्सीजन है, 8 और 8 16 हो गए। इसमें ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 14 हुआ, ये भी सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है, मतलब 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन, और 6 कार्बन के पास, 8 और 6 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 और कार्बन के पास 6, 8 और 6 14। तो ये इसमें देखो दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर भी होगा सेम होगा, और 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, दोनों का 3 3 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फोर्थ का आप निकाल के चेक कर लीजिए, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा माइंडसेट बना के मत रखिए कि आप बढ़िया आराम से बिस्तर पर लेट के लेक्चर को मूवी के जैसे देख रहे हो। एग्जाम में जब बैठोगे, पेपर देने जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ आप पे जादू चल जाएगा, जादू दो कुछ नहीं चलने वाला। अगर आप यहाँ नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं अपने आप से खुद से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए, ठीक। निम्न में से किस यौगिक में अंतः आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित हैं, वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। इन विच फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक पूछा है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की, जिसमें अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे, पेयर्ड या युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो ये याद रखना। अब इसमें देखो किसमें है अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखने के लिए अनपेयर्ड के लिए क्या होगा, ओड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, और पेयर्ड के लिए कैसा आना चाहिए, इवन। जब इवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो 100% वो पेयर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि इवन वाला जब चलती है सीरीज तो 2, 4, 6, ठीक है, 8 या 18, 16, इस तरह से 12, 14, तो ये क्या होता है, ये पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक में दो ही आते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक बॉक्स फुल हो जाएगा, 4 होंगे तो इस तरह से 2 बॉक्स, 6 के लिए 3 बॉक्स। लेकिन जब ओड नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, तो इसमें क्या होता है, ये अनपेयर्ड हो जाते हैं अयुग्मित, तब होता है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें देखो इसके पास 8 और 6 14, मतलब इवन आ रहा है, इसमें डायामैग्नेटिक होगा। O2 माइनस, तो 8 8 16 और माइनस लगा मतलब 17, तो ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय है, इसमें से ध्रुवीय अणु पूछा गया है। BF3, SF4, SiF4 और ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इसमें जब हम निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे, ये है कहाँ का क्वेश्चन, ये समझ में आना चाहिए पहले इसको देख के। जो अणु की पोलेरिटी है, ध्रुवता है, वो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका डायपोल मोमेंट देखेंगे। डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये ध्रुवीय है या अध्रुवी है, ठीक है, पोलर या नॉन पोलर है। तो BF3 को पहले बनाते हैं,
इस तरह से बोरान ट्राईफ्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन मैंने इससे पहले सारे सोल्व करवा दिए हैं इसी टाइप के। इसमें जब डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से खींचता है। बोरॉन के कंपेरिजन में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तीनों फ्लोरीन अपनी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस तीर में पीछे जो होती है टेल, उसमें इस तरह से कट लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि जो एरो है हमारा, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। अब इसका हम डाइपोल मोमेंट इधर बनाते हैं, तो ये ऊपर की ओर है, ठीक है। अब इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, कितना, 120 डिग्री। जब 120 डिग्री एंगल के एंगल पे दो फोर्स लगती हैं, ठीक है, और उन फोर्स का परिमाण रिजल्ट जो है बराबर होता है, तो उसका जो बीच में रिजल्टेंट होता है वो किसी दो दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। अगर ये समान है, तो समान तो है ही, इधर भी फ्लोरीन ही खींच रहा है, इधर भी फ्लोरीन, तो खींचने की क्षमता बराबर होगी, मतलब दोनों ओर खींचने का जो फोर्स है वो सेम होगा। इस कंडीशन में फोर्स दोनों सेम है और बीच में एंगल जब 120 डिग्री होगा, तब उसका रिजल्टेंट जो होगा वो एक फ्लोरीन के खिंचाव के बराबर होगा। तो ऊपर भी एक फ्लोरीन खींच रहा है और नीचे भी एक फ्लोरीन खींच रहा है, इन दोनों को रिजल्टेंट मानेंगे हम मिड में। ये क्या होता है, ये जो है डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें सदिश को आप लगा सकते हो। तो इस तरह से जितना ऊपर फ्लोरीन खींचेगा उतना नीचे, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये पोलर नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। कैसा, नॉन पोलर, ठीक है, आध्रुवी होगा, हिंदी में बोलते हैं आध्रुवी। अगला ऑप्शन था हमारा यस एफ फोर, तो ये है हमारा यस। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से इसमें कुछ एक लोन पेयर भी होगा, सारे स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। अगला है SiF4, और लास्ट है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन टेट्रा फ्लोराइड। इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिए और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 2 लोन पेयर के रूप में। तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें बढ़िया सिमेट्री है, ये इधर खींचेगा और ये फ्लोरिन इधर खींचेगा, ये एक दूसरे को नष्ट करेंगे, ये इधर खींचेगा और ये फ्लोरिन इधर खींचेगा, नहीं सॉरी, ये इधर को खींचा जाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं ना इनर्ट गैस, ये खुद उल्टा खींचते हैं, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को अपोजिट साइड में है, जीरो कर देंगे, और ये जो लोन पेयर है ये भी एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, तो ये भी कैसा होगा, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा, ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर होगा, ठीक है। बात करते हैं SiF4 में, सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड। सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली का मेम्बर है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये सीरीज होती है, तो देखो इसी में आ रहा है, मतलब इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड बन गए, तो लोन पेयर तो है नहीं। अब फ्लोरीन इधर इधर खींचेंगे, अपोजिट साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें भी जीरो कर देंगे, ये भी मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। यहां देखो किस तरह की सिमेट्री है, इसमें कहीं सिमेट्री नहीं दिख रही है, एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो मॉलिक्यूल कितना भी अपने आप को खुद को अरेंज कर ले इधर उधर, लेकिन उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है कभी जीरो नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा SiF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, ये कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा, सॉरी ये पोलर होगा, कैसा होगा, पोलर, बाकी सभी नॉन पोलर है। निम्न में से किस अणु में पाई बंद उपस्थित है, अनुपस्थित है, पाई बंद किस में अब्सेंट है, पाई बॉन्ड आर अब्सेंट इन विच फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, किस में से, CO2, H2O, SO2 या NO2। तो आपको पता ही होगा H2O का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कहाँ पाई बॉन्ड है,
तो ये कैसा होगा, विदाउट पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूल है। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को बताना है, ठीक। CH3 का होल ट्वाइस, SiH3 का होल ट्वाइस, BH3 का होल ट्वाइस या PH3। तो आपको पता ही होगा जो BH3 होता है, ठीक, ये डाई बोरेन है, डाइमर बनाता है बोरेन, इसको बोलते हैं बोरेन, BH3 को बोलते हैं बोरेन, बोरेन ये डाइमर बनाते हैं। क्यों डाइमर बनाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट इनका नहीं होता है इसीलिए डाइमर बनाते हैं, और डाइमर बनाने के बाद भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती हैं। इस तरह से डाइमर बनता है इनका, दो बोरान हैं और इनके पास इस तरह से तीन तीन हाइड्रोजन हैं और इनमें बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, इस तरह से, तो ये डाइमर बन जाता है। लेकिन बोरान के पास देखो अभी भी एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ही तीन बॉन्ड है, मतलब सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मोलिक्यूल हैं, अणु हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ये जो बॉन्डिंग होती है देखो बनाना शेप में है, केले के जैसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग किस में पाई जाती है पूछा जाए तो बताओगे बोरेन या डाई बोरेन, ऑप्शन मिलेगा तो उसी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, अभी तक काफ़ी पूछा गया है इस पर क्वेश्चन बनाना बॉन्डिंग पे और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। तो मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही रखे हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, बाकी को आप बना लीजिएगा, ठीक है। बनाने का एग्जाम्पल लो, पहला जो है एथिल लिया हुआ है, इसको बनाओगे CH3 का होल ट्वाइस, तो इस तरह से बनेंगे ना, एक CH3 और ये दूसरा CH3, तो इसमें देखो कार्बन के पास चार बॉन्ड, सबके पास चार चार बॉन्ड हैं, ठीक है, तो अपना अपना कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट, तो इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होंगे, केवल सी ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम निम्न है, इस तरह से इनका घट रहा है, क्या घट रहा है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि क्यों इस तरह से होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये उच्चतम क्वथनांक दर्शाता है, तो इसका इसके का पीछे का कारण क्या है, वही व्याख्या पूछी गई है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है इसलिए, नहीं, इसकी विद्युत ऋणात्मकता तो क्लोरीन से कम होती है इसीलिए तो लास्ट में है। आपको बता दूं यहाँ कंसेप्ट है पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने बताया था हाइड्रोजन और प्लस उसके साथ में फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटम्स होने चाहिए। ये जब होंगे तब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई रियल बॉन्डिंग नहीं है, एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है आयनों का, ठीक, आयनों का इंट्रैक्शन होता है। तो इसमें से जब कोई प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब देखो फ्लोरीन जो है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो HF, HI, HBr और HCl, इस प्रकार के जो रियल बॉन्ड हैं ये तो सब में प्रेजेंट हैं हर एक मॉलिक्यूल में, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बाकी सब मॉलिक्यूल में एक ही एक बॉन्ड वही बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रही है, मतलब इसमें बॉन्डिंग अधिक है, तो जिसमें बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा गर्म करोगे तभी उसके बॉन्ड टूटेंगे, और बाकियों के कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और सबको गर्म करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी उसके बॉन्ड टूट जाएंगे। अब बात आती है कि फ्लोरीन के बाद में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की होती है, ठीक, उसके बाद में ब्रोनीन, ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन, इस तरह से होता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इस हिसाब से पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड आना चाहिए, फिर ये होना चाहिए था हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये लास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है,
ये जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड स्टेट, और ये होता है लिक्विड स्टेट में और ये गैसियस स्टेट में। तो कोई चीज़ लिक्विड है उसको उबालना ज़्यादा आसान है या ठोस वाले को? ठोस वाले को ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए ये ठोस होता है तो ये आगे आ गया, और ये कैसा होता है, लिक्विड होता है और ये गैस होता है। गैस को तो गर्म करोगे वैसे ही उड़ जाएगी। तो इसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें पूछा गया केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में पूछा गया है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के उच्चतम क्वथनांक की व्याख्या क्या है। तो इसमें क्या होता है, HF अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध अधिक है ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं मैंने और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को सोल्व करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से नहीं छूटने वाला। अगर कंप्यूटर साइंस पे भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जलीय विलयन में विलयता के सही क्रम की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था कि आप कितना पढ़े हो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना, और फिर उसके बाद में बताना। इसमें कंसेप्ट कई सारे लगेंगे। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन इक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखना है। इसमें लैटिस एनर्जी वगैरह देखोगे आप, या फिर फजांस रूल के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैंने हिंट दे दिया है, इसको सॉल्व करके बताना, या कोई दूसरा ट्रिक आपको पता हो तो उसको भी यूज करना। द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इज ऑफ, निम्न अणुओं में उच्चतम बंध कोटि का है। अब उच्चतम बंध कोटि मतलब 14 को रेफरेंस मानो, और उसके बाद में ऊपर नीचे देखो, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम होगा। इसमें देखो 7 और 7 14, तो इसमें तो 14 है। इसमें 8 दूनी 16, एक एक 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 15। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में है, मतलब इसकी बंध कोट जो होगी बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस, निम्न में से कौन नरम बेस है, नरम क्षार है, ठीक है। तो ये तो देखो हार्ड है, ये सभी क्या है, हार्ड है। इसकी बात की जाए तो कहाँ से बना है, नाइट्रिक एसिड से। ये कहाँ से बना है, कार्बोनिक एसिड से। ये जो 2CO3 एसिड जो होता है अम्ल, ये हार्ड एसिड है। ये कैसा है, NO3, ये HNO3 से आया है, HNO3 नाइट्रिक एसिड से। और ये क्या है, ये है एथनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH। लेकिन ये कहाँ से बना है, ये निगेटिव फॉर्म में है, इसलिए ये बेस के जैसे काम करता है, लेकिन कोई प्रकार का ये बेस नहीं है। तो इसको नरम बेस कहते हैं, नरम क्षार कहते हैं, सॉफ्ट बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड, इनमें से लुईस अम्ल कौन नहीं है। लुईस अम्ल, अम्ल का मतलब होता है लुईस अम्ल का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मोलिक्यूल हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और साइनाइड आयन में ऑलरेडी ज़्यादा है। तो जहाँ माइनस चार्ज वाला दिख जाए वो कभी लुईस अम्ल नहीं हो सकता, ठीक है, लुईस एसिड नहीं होगा। आपको बता दूँ ये जो Fe2+ है, Fe3+ है, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mg2+, ठीक है, ये सब कैसे हैं, ये एसिड ही होते हैं, ये लुईस एसिड हैं। क्या है, लुईस एसिड। इस तरह से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मोलिब्डेनम है, ठीक, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्रोमियम है, ये सब क्या होते हैं, जब पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, ये 2 से 5 तक जला जाता है, यमेन +7 तक जाता है, इनकी स्टेट है। तो ये सब क्या होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं और लुईस एसिड होते हैं, इनको लुईस ने ही बताया था। एन ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता है, कक्षक की बात की गई है। इस तरह से हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये एक ऐसे ही ब्राइफली ड्रॉ करते हैं, एटम की जो स्ट्रक्चर होता है इमेजिंग करते हैं। अब इसमें देखो, ये तो हो गया न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कक्षक में होते हैं इस तरह से। तो न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी स्पेस है, ये है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जितना भी स्पेस है जहाँ ये कक्षक हैं, और जो खाली जगह है इसको भी इंक्लूड करोगे इसके स्पेस में, ठीक है सब। तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, कक्षक में है ना। ये जो लाइन बनाई हुई है, ये क्या होता है, ये ऐसी जगह को प्रदर्शित करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। अब यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन
का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो होगी या बहुत कम होगी। तो कक्षक जो होते हैं ऑर्बिटल जो होते हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं होती हैं, प्रोबेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज व्हिच वुड शो द स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर, निम्न में से जो वर्ग समतली संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग समतली संरचना, वर्ग समतली किसकी होगी, जायनान टेट्राफ्लोराइड की। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये वर्ग समतली होगी, जायनान टेट्राफ्लोराइड। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनान इन जेनान ऑक्सो डाइफ्लोराइड मोलिक्यूल्स, जेनान ऑक्सो डाइफ्लोराइड अणु में जेनान का संकरण बताना है। तो इसका संकरण जो होता है sp3d2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटाइलिन इज, एसिटिलीन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने बताया था जब एक सिग्मा दो पाई होंगे, मतलब केवल पाई देखना है, जब दो पाई होंगे तब कैसा होगा, sp संकरण। और डबल बॉन्ड मतलब जब एक पाई होगा तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जब सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक, पाई बॉन्ड है ही नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड है, पाई इज इक्वल टू जीरो है, तब क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, और इसमें जो है यस कैरेक्टर कितना होता है, परसेंटेज यस कैरेक्टर भी पूछता है। इससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, जिसका परसेंटेज यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो sp में क्या होता है, इसमें 50%, देखो 50% पी होगा, इसमें यस कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज यस कैरेक्टर 50% होगा। sp2 हाइब्रिडाइज एटम में कितना होगा, इसमें होता है 25%, सॉरी इसमें 33.3% होगा, और sp3 मॉलिक्यूल में 25% होता है। तो हमको देखना है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखो एसिटिलीन में दो पाई बॉन्ड है, मतलब दो पाई बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, sp3 हाइब्रिड संकरित कक्षक के मध्य कोण कितना होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला एक एटम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मेथेन का। तो इसमें मेथेन में क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है। ठीक, ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, sp3 मॉलिक्यूल है संकरित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मेथनॉल इज सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू, मेथनॉल पानी में घुलनशील है क्यों, ये मैंने इससे पहले भी करवा दिया है, एक बार करवा चुका हूँ, अगर आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे बराबर तो मिला होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, मेथनॉल इस तरह से होता है CH3OH। ठीक है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जहाँ मेथनॉल होगा तो एक एक मतलब ड्रॉप में कई सारे मॉलिक्यूल होंगे ना मेथनॉल के, ये तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। अगर 250 ग्राम जल की बात करें तो उसमें कितने करोड़ों लाखों में होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, एक एक ड्रॉप में, एक बूंद पानी में पानी के बहुत ज़्यादा जल के अणु होते हैं। तो इसी तरह से मेथनॉल जहाँ होगा बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो आपस में एक दूसरा जो होगा मेथनॉल का अणु CH3OH, तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिड क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये सोल्यूबल होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, संकरण में शामिल होता है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन, नहीं ऐसा नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कक्षक जो होते हैं वो मिक्स होते हैं एक में ना, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों का मिश्रण, तो यही सही है। इसमें क्या होता है, अगर एक यस और दो पी आप ऑर्बिटल को एक में मिक्स करके तो तीन ऑर्बिटल बनाते हैं, एक यस है और दो पी है, और पी में इस तरह से होता है ना, दो पी कक्षक हैं, तीन कक्षक होते हैं, में दो कक्षक अगर पी के मिला रहे हो एक यस का, तो ये तीन जो बनेंगे, ये तीनों मिल के कैसे बनेंगे, इन सब में sp का करेक्टर होगा, sp2, 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 तो मिक्सिंग हुआ है ना इनका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है, व्हिच ऑफ द
फॉलोइंग इज अ रेजोनेंस इफेक्ट, निम्न में से किसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं, ये तो अलग ही चीज़ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का खिंचाव और डोनेशन होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशन भी लिख सकते हो, हाइपर कंजुगेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिसंयुग्मन। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है यही बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करता है। तो ज्यामितीय समरूपता मतलब समावयवता कौन दिखाता है, तो वन पेंटीन सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वन पेंटीन कैसा होगा, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन बनाए, वन पे पेंटीन, पेंटीन मतलब इन आ रहा है, एक डबल बॉन्ड होगा वो भी फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इसमें देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, और अगला है टू मेथिल टू पेंटीन, एक दो तीन चार पाँच, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड पोजीशन पे इन लगा हुआ है, और सेकेंड ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल भी लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। अगला देखते हैं टू पेंटीन, वन टू थ्री फोर फाइव, तो सेकंड पोजीशन पे केवल डबल बॉन्ड, टू मेथिल टू ब्यूटीन, एक दो तीन चार, ठीक। अब सेकंड पोजीशन पे इसमें क्या है, ब्यूटीन लगा है, सेकंड पे ही मेथिल लगा है। अब एक बात इसमें देखना है, क्या देखना है, हाइड्रो इसके जो है चारों ओर का कायरेलिटी देखनी है, ठीक, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सी एस थ्री होगा, जब इसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो देखो सी एस थ्री दोनों सेम मोलिक्यूल आ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि दो कार्बन पे बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। इसमें देखो सी एच थ्री एक हाइड्रोजन और इसके पास भी एक हाइड्रोजन, और इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। इसमें देखो इसमें भी क्या है, इधर सी एस थ्री मोलिक्यूल आ रहा, तो ये एक और दो सी एस थ्री आ रहे हैं जस्ट। इसके अबाउट देखोगे डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड के अबाउट ही जब सिस ट्रांस बनेगा, जब सेम ग्रुप लगे होंगे या नहीं लगे होंगे उसको देख के हम बताएंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के साइड में दोनों ओर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब सेम स्पीसीज आ गई। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन पे देखो इधर है सी एस थ्री, इधर है हाइड्रोजन, और इधर है हाइड्रोजन, इधर है एथिल ग्रुप सी एच टू सी एच थ्री, मतलब इसमें सब कुछ डिफरेंट है। चारों जो हैं इसकी देखो, इधर हाइड्रोजन इधर मेथिल, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग, और इस भी कार्बन पे हाइड्रोजन इधर एथिल ग्रुप, ऐसा कहीं और दिख रहा है। देखो इसमें दो सी एस थ्री सी एस थ्री आ रहे हैं सेम कार्बन पे, यहाँ भी आ रहे हैं दो सी एस थ्री सी एस थ्री, तो इसमें सिस ट्रांस करोगे तो क्या डिफरेंट होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे, केवल यही देगा वन टू थ्री फोर फाइव टू पेंटीन, कौन सा टू पेंटीन, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसमें कायरल कार्बन होगा, तो सबसे पहले हम कायरेलिटी चेक करते हैं, कायरल कार्बन पहला है प्रोपेनोइक एसिड, तो इस तरह से हम बनाएंगे प्रोपेनोइक एसिड, एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मतलब तीन कार्बन और ओइक एसिड मतलब एक इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो यहाँ पे हम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं, ठीक, सी ओ ओ एच, ऐसे होता ना सी ओ ओ एच, तो सी ओ ओ एच, यहाँ पे हम इसके हाइड्रोजन लगाएंगे जितने भी होंगे। अगला इसमें कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन था थ्री क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, थ्री क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड पूछा है ना, वन टू थ्री, यहाँ पे होगा सेम ग्रुप,
नेमिंग जब करेंगे कार्बन की, तो जो पहला इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड था, मतलब थर्ड वाले पर एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, यहाँ एच और एच। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2-क्लोरो, 1, 2, 3। तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन और ऊपर क्या होगा, COOH, और ये एच हो गया, और ये यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे। लास्ट ऑप्शन है 3-क्लोरोप्रोपेन, 1, 2, 3। तो इसके इसमें तो नहीं होगा, हम इन तीन में कंपेरिजन करते हैं। अब इसमें देखो कहीं पे काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, ये कार्बन है, इसकी चारों बैलेंसी जब यक्स वाई जेड ए कुछ भी हो सकती है, ए बी सी डी सेम ना हो, डिफरेंट हो, जब चारों बैलेंसी, चारों संयोजकताएं डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी, तब उस कार्बन को बोलते हैं काइरल कार्बन। इसका सिंबल होता है इस तरह से, स्टार लगा दिया जाता है उसको। अब इसमें देखो इस कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ो, हम इधर देखते हैं कार्बन, यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मतलब सेम आ गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 तीन आ गए सेम, यहाँ देखो हाइड्रोजन 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 क्लोरीन, यहाँ तक तो ठीक था, और इधर कार्बन वाला इतना ग्रुप था, इस कार्बन के अबाउट देखो इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या है एथनोइक एसिड, और इधर क्लोरीन, लेकिन फिर से इधर हाइड्रोजन आ गया इसी कार्बन पे। इसमें देखो बढ़िया आपको मिलेगा क्या, काइरलिटी मिलेगी, इधर ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर लगा है मेथिल ग्रुप CH3, और इधर क्लोरीन है, इधर क्या है हाइड्रोजन, तो ये कैसा होगा, काइरल होगा। जब ये काइरल होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है, आप लोग पढ़े भी होंगे बुक में, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है कि उस थियोरी को अच्छे से पढ़ सके। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं आती हैं चीज़ें, तो पेपर से अभी पेपर को कुछ दिन तो हैं एग्ज़ाम को, तो आप लोग कमेंट में बताना, तो मैं जितनी थियोरी हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा दूंगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना समझ लीजिए। अब ये कौन सा ऑप्शन था, 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एल्कीन्स सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू, जो एल्कीन होती हैं डबल बॉन्ड वाले, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसको एल्कीन बोलते हैं, किसके कारण ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अभी बताया था कि डबल, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो उसको डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखते हैं इधर उधर, उसका सिनेरियो ठीक है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इस कार्बन को पकड़ के जब घुमाओगे आप ऐसे तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड इस तरह से देखो, ये बीच में सिग्मा है, मान लो एक एक बॉन्ड बना हुआ है, और पाई बॉन्ड इस तरह से जो इसके ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसमें इस तरह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको जब घुमाओगे तो ये सिग्मा बॉन्ड तो कुरकुर 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 घूम जाता है ठीक है, इसको घुमाओगे केवल सिग्मा बॉन्ड को तो ये झुम 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 घूम जाएगा, लेकिन जब पाई बॉन्ड को घुमाओगे आप तब ये नहीं घूमता है, ये बॉन्ड को पकड़े हुए है ऐसे, तो ऐसे घुमाओगे ये अपने एक्सिस पे घूम जाएगा लेकिन पाई बॉन्ड नहीं घूम सकता। तो पाई बॉन्ड जहाँ पे होगा मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट आ डबल बॉन्ड, इसीलिए जो एल्कीन होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज HCl मतलब हाइड्रोजन साइनाइड और मेथिल अमाइन, मेथिल अमीन इज हाइड्रोजन साइनाइड एवं मेथिल अमीन में नाइट्रोजन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सीधे पाई बॉन्ड वाले वही मेथड लगाइए आप, नाइट्रोजन का निकालना है ना HCl में, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मतलब यहाँ पे दो पाई हैं और एक सिग्मा है, दो पाई के लिए बताया था SP हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहाँ बात करते हैं तो CH3 और N और 2 H है, तो यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए 0 पाई बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा SP3, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड में SP और मेथिलेमीन में SP3, तो देखो इसमें कहाँ है वो ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन SP and SP3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, अम्लता के घटने का सही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है इसमें
ठीक है, एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से होगा, अब देखो इसको पहले ऑप्शन देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देख के आपके समझ आना चाहिए है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। अब इसमें देख लो, एथनोइक एसिड लिया गया है हर जगह और उसको सब्स्टिट्यूटेड किया गया है क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन। क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड एथनोइक एसिड, क्लोरीन प्रतिस्थापी एथनोइक अम्ल लिया गया है। तो देखो इसमें ये सीधा एथनोइक एसिड लिया गया है, फिर इसके एक हाइड्रोजन से हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन जोड़ दिया गया है। इसमें दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन जोड़े गए, इसमें तीन हाइड्रोजन हटा के तीन क्लोरीन जोड़े गए हैं। तो ये कंसेप्ट चलने वाला है, इसमें कैसे हम निकालेंगे। एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है, मतलब एसिडिटी वो मोलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं लोअर क्लास में कि एसिड क्या होते हैं, अम्ल जो प्रोटॉन या एच प्लस आयन डोनेट करते हैं जल्दी। ठीक है, तो जो ज़्यादा जल्दी डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। अब देखते हैं इसमें COOH और यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लगा है, और ये सीधा COOH और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, दूसरा है COOH और यहाँ पे दो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक हाइड्रोजन है, और चौथा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसमें तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिए, किससे? प्रतिस्थापित कर दिए क्लोरीन से। अब इसमें देखते हैं, आपको याद होगा क्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी, ऐसे भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस बॉन्ड से भी खींच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये डिस्टेंस पे वेरी करता है काफ़ी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस सेम है क्योंकि मॉलिक्यूल वही है, हर जगह मॉलिक्यूल सेम है तो डिस्टेंस तो सेम होगी। तो यहाँ देखो एक क्लोरीन खींच रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, हल्का पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, हल्का पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। मतलब एच प्लस, ये जो एच प्लस था ये क्यों यहाँ रुका था? क्योंकि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन जो है इसके खुद के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन को देगा नहीं, तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। क्या होगा? निकल जाएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें दो खींचने वाले हैं, क्या हैं? दो खींचने वाले हैं। दो खींचने वाले हैं मतलब इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, डबल डेल प्लस, डेल डबल प्लस मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इसके कंपेरिजन में यहाँ और जल्दी निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, और जहाँ तीन तीन क्लोरीन मिलके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन ही बता सकता है उसका क्या हाल होगा उस टाइम पे, बहुत ज़ोर से खींचेंगे इसको तीनों ओर से, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी ऑक्सीजन के पास। ये हाइड्रोजन है एकदम फुदक के बाहर निकलेगा और यूँ भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलेगा तो ये मोस्ट एसिडिक होगा, फिर सेकंड ये आएगा, थर्ड आएगा ये, और ये जो होगा ये इन चारों में देखा जाए तो ये लीस्ट होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ आएगा। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं, पहला कौन है जिसमें तीन क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, तो थ्री क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड, फिर टू क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड, फिर एक क्लोरीन, फिर एथनोइक एसिड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जनरली अ सिस आइसोमर हैज अ डैश मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू द ट्रांस आइसोमर। सामान्यतः जो ट्रांस समावयव है उसकी तुलना में सिस समावयव का गलनांक कितना होता है? तो जो सिस होता है ना, सिस का हमेशा लोअर होता है। कैसा? लोअर होता है, क्योंकि गलनांक ट्रांस का
सॉरी लोअर नहीं हाई होता है, जो ट्रांस होता है ट्रांस, इसमें जो पैकेजिंग होती है ज़्यादा अच्छी होती है, तो ज़्यादा स्टेबल होता है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका लोअर होगा, ठीक है, जो कम स्टेबल होगा उसका उच्च होगा, हाई होगा। तो सिस का कैसा होता है? हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, निम्न में से किसका क्वथनांक उच्चतम है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये देखो, हाइड्रोजन 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 सेम है, डिफरेंट क्या है, जो निगेटिव वाला ये पार्ट लगा हुआ है ये डिफरेंट है। अब ये एक ही से आते हैं ग्रुप से, ये एक ही फैमिली से, ओस से टी पो, ठीक है। तो देखो ये चारों एक ही ग्रुप के लिए हुए हैं, चारों एक ही फैमिली के हैं। नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे जाने पे घटती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होगी और ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ही है। तो जो बॉन्ड इन तीनों में प्रजेंट होंगे वो तो जल में प्रजेंट ही होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी जिसके कारण इसको क्वथनांक, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। इसको गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डेज, विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है, तो आप ये पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में आपके, तो आपको सबको पता ही होगा 5 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में तो सबको पता होगा। लेकिन इसलिए मैंने रख दिया कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप से पूछा जा सकता है। क्रोमियम 2+ Z=2, मतलब एटॉमिक नंबर दिया 24, आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना बताना है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्रोमियम की बात करें, देखो जो 3D सीरीज होती है हमारी डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज, इसमें देखो इसके टीवी क्रोम फी को नी कापर जिंक, इस तरह से ये 3D सीरीज होती है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फेरस कोबाल्ट निकल कापर और जिंक, इसमें क्रोमियम यहाँ आ रहा है। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 21, ये है 22, ये है 23, ये कितना है 24। अब सबसे मेन बात इसमें क्या है जो आपको याद रखना है, क्रोमियम 2+ स्टेट में है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन दो निकल गए, तो इसके पास टोटल कितने बचे हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। यहीं पे जाके बच्चे गलत कर देते हैं, वो 24 इसीलिए दिया है कि आप उस पर ध्यान ना दें 2+ पे, सीधा देखे Z=24 और बस उसी के अकॉर्डिंग फिल करने लगे। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब पहले आएगा 4s2 फिर आएगा 3d10 आना चाहिए। अब देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 और बचे कितने, 2 22 20 2 22, तो यहाँ तक तो सब ठीक है। अब इसमें देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3D में, तो डी ऑर्बिटल में 5 इस तरह से कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। लेकिन हाँ तो इसमें 2 ही हैं, लेकिन क्या देखो इसमें 6 4 3 1, इसमें कहीं है ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है अभी देखना। ये जो यस होता है ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल से उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी में चला जाएगा, ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, और जो यस वाला था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक उत्तेजित होकर इसमें आ गया, तो इसमें बचा 1। अब देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 4, इसीलिए कह रहा था ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है, तो 4 होंगे। देखो इतना आसान नहीं है, आपसे आपको एक नंबर देगा एग्जामिनर, तो उसमें खींच के आपका मेहनत भी करवाएगा आपसे, उसके बाद में नंबर मिलेगा। निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों को पहचानिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है इसमें से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो आयन है उनको बताना है, तो ये तो हर कोई निकाल लेगा, केवल इलेक्ट्रॉनों का काउंट करना है सब में, तो इसको आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हिंट दे दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कई बार बोला है अपने लेक्चर में केमिस्ट्री के कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो जिस पे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है उसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा सल्फर पे चार्ज है, तो यहाँ तो सल्फर है नहीं सबसे मैक्सिमम, तो ये तो गलत हो गए।
इनमें देखो सबसे ज़्यादा किसकी दिखाई जा रही है, सल्फर की। अब इसके बाद में देखो यहाँ है तुरंत पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ निगेटिव लास्ट में रख दिया, ये गलत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा निगेटिव, फिर उसके बाद वाला, फिर पॉजिटिव, फिर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, तो इस तरह से इसका ऑर्डर चलता है। द आयोनिक रेडियाई ऑफ एन थ्री ओ टू माइनस और फ्लोराइड आयन एफ माइनस आर रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा है कि आपको इस तरह से वैल्यू देते तो घबराना नहीं, इसको याद नहीं करके जाना है, वैल्यू को रट के नहीं जाना है, इसीलिए मैंने बस ये क्वेश्चन रखा था ताकि आपको घबराहट ना हो ऐसे क्वेश्चन देख के। इसमें आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है ना, इसकी वैल्यू को याद करके जाना है। इसमें सर केवल जो है सिर्फ कंसेप्ट लगा है, उस कंसेप्ट के पीछे भागो। यन थ्री निगेटिव ओ टू टू माइनस और एफ माइनस, ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एन के पास नाइट्रोजन पास सेवन इलेक्ट्रॉन, थ्री माइनस मतलब सेवन और थ्री टेन, एट और टू टेन, नाइन और वन टेन, सब में टेन टेन है। जो ज़्यादा निगेटिव होगा उसकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होगी, मतलब जो ज़्यादा निगेटिव हो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं देखना है कि याद करके जाना है इसकी वैल्यू, कुछ फिक्स थोड़ी ना होती है, लेकिन ये देखो इसमें ज़्यादा निगेटिव मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिस्पेक्टिवली पूछा है, देखो फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा कहाँ लिखी है, 1.3, 1.3, 1.7, 1.7, इस दो में 1.7 आ रही है, ठीक है, इनको दो काट। अब इसके बाद में सेकंड आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी 2 माइनस, इस पर 1 माइनस, तो इससे ज़्यादा होगी एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए सेकंड होना चाहिए। तो इसमें देखो सेकंड में क्या है, 1.36 और इसमें 1.4, मतलब ये ज़्यादा है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा और फ्लोरीन का लास्ट वाला। तो इस तरह से उसको कंपेयर कर लेंगे। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, तो इसमें जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब देखो ये इस तरह के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, पीरियड से उठाए गए हैं। पहला देखो ये किससे उठाया गया है, ये ग्रुप से उठाया गया है, हे ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो इस तरह से देखो यहाँ से तीन एटम उठा लिए और आपसे पूछ लिया, तो इसमें जब आप नीचे जाओगे तो मैंने बताया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती मतलब घटती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की होनी चाहिए। नीचे जाओगे घटेगी मतलब इसकी कम होगी, पोटेशियम की, सोडियम की, लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये उल्टा ऑर्डर दे दिया है। बात करते हैं इसकी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की, तो ये भी ग्रुप से दिए हुए हैं, कहाँ से, ग्रुप से, ये सेकंड ग्रुप है जो यस टू ग्रुप होता है, यस का ये यस ब्लॉक है का वन है, ये यस का टू है। तो इसमें देखोगे आप, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ठीक, इस तरह से होता है। तो यहाँ से देखो ये तीन उठा लिए हैं। अब इसमें देखो नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए बेरिलियम की, तो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि समझ में आपको अच्छे से आया। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, बाकी कमेंट करोगे तो वीडियो के नीचे उसमें भी आपको मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम है, और साल भर आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, मेन जो होती है पढ़ाई वो एग्ज़ाम से पहले वाली होती है, ठीक है। बस ये होता है कि पहले से साल भर पढ़े रहते हैं तो थोड़ा आसानी होती है चीज़ों को याद करने में, उसको रिकॉल करने में, रिवाइज़ करने में ज़्यादा आसानी मिलती है। अगर नहीं भी आप अच्छे से पढ़ें, फिर भी अगर अभी भी अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर बनाए रखें, इधर उधर की डिस्टर्बेंस से दूर रहें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।